नमस्कार, आज आप सुनेंगे चंपा और बांस की हिंदी लोक कथा। बहुत दिनों पहले एक राजा रहता था। उनकी दो रानियां थी। दोनों रानियां नी संतान थी। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। दो रानियां भगवान से विनती करते रहने पर फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से घूम रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं। क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती किया जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वह गर्भवती हो गई। ये खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही खुश हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुँच गयी कि राजा पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर, न जाने बच्चे पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छटपटा रही थी छोटी रानी। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने देखा, बड़ी रानी दो पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है। राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ही पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने दो चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में दो बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा, तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा, बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल व तोड़े बराए दे। बांस ने कहा, लज्जा बहनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा, वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई।
सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया, ये सब क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए है। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुँच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुँचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए है। लग जा बहिनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर और भी ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो। मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे, छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुँचे, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए है। लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, हम महतारी दुखियारी बड़े रानी हफुलवा तोड़े बर आव थे, परो बहनी पाओ। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथा में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियां फैल गई।